अच्छा, अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंगविशन। इसके लिए बेटा डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लगते हैं। डायग्राम तो डायग्राम तो पहले बनाना पड़ेगा, एक लाइन पहले खींच लोगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बना लोगे छोटा सा। ओके, ऑब्जेक्टिव बना लिया। इसका मान लो यहाँ पे इसका फोकस है, तो यहाँ पे इसको रखा, यहाँ पे लाइट रेस गया। ओके, लाइट रेस जाने के बाद जो पैरेलल है वो फोकस के थ्रू जाएगा। और जो ऑप्टिकल सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग का ये बन गया। ओके बेटा, ये इस टाइप का ये बन गया। इसके बाद इस केस में यहाँ पे और एक लेंस होगी, इस डायरेक्शंस में ये इसका ऑप्टिकल सेंसर की बात है। यहां से लाइट रेस इधर चला जाएगा, इधर से लाइट रेस ऐसे जाएगा, तो इधर से लाइट रेस आया। ओके, और इधर चला गया। अभी यहां से कोई मान लो कि देखे तो किस तरीका से आएगी, तो इसको फिर एक्सटेंडेड कर दें। थोड़ा सा यहाँ पे जाके मीट कर रहा है। ओके, तो इस जगह पे देखो ये तो कुछ नहीं है, जस्ट राफ डायग्राम बना दिया। तो लाइट रेस आ रहा है, यहां से जाके फाइनल इमेज बना दे रहे। ओके, थोड़ा सा ये वाला ये हो गया, ये वाला एज डैश हुआ, और ये वाला कौन सा एज डबल डैश। करेक्ट डायग्राम बनाना है तो इस तरीका से बना लोगे बेटा। ये जो डायग्राम है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, वहां पे थोड़ी सी एडजस्ट नहीं हो पाई, इस तरीका से बना लेना। ओके, ये वाला आईपीस होगा, ये जाएगा इधर जाके बन जाएंगे, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डी। ओके, तो इसके नाम दे देते ए बी, और ये वाला हो जाएंगे ए डैश बी डैश, और ये जो होगा इसका नाम हो जाएंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। ओके, इस तरीका से आएगा। ओके, अभी थोड़ा इसको ध्यान रखना, और एक बात इसमें आती है कि ये जो है ना, यहां से एक डायग्राम थोड़ा सा ये बन गया बेटा, ये एक्चुअली इधर से आना था। ठीक है, अभी तो कैसी मान लो एक डायग्राम बना दिया। ओके, इस टाइप का, लेकिन इसमें डायग्राम में थोड़ी सी ये वाला बड़ा होगा, इस तरफ पे आएगा। ओके, तो ये वाला तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला इसके बाद इस इमेज बना, और इस इमेज के बाद से ये वाला क्या होगा, फाइनल इमेज हो गया। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ दैट विल बी डी,
लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि एक बार और एक बार जो है इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा, प्रीवियसली डायग्राम थोड़ा गलत था इसलिए इसको दोबारा बना दिया। ये वाला ए भी है तो इस वाले जो है ए डैश बी डैश, और ये वाला जो है दैट विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वाले डायग्राम में ए ज़्यादा करेक्ट नहीं था। ओके, तो इसमें से एक रेस लेना पड़ता है जो इधर से मूव करेगा। ये वाला एंगल जो है हम लोग ये बोलेंगे बीटा, और जो दूसरा जो एंगल है ये वाला एंगल हो जाएंगे तुम्हारा बीटा। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में कितना कर रहा है, बीटा एंगल कर रहा है। दूसरी जो है ऑब्जेक्ट, मान लो यहां पे रख दिया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में, ये कितना एंगल करेगा, दैट इज इज अल्फा, दैट इज इज डी। ये वाला हो गया ए, हो गया बी। तो यहां से लीस्ट डिस्टेंस है, तो ए वाला जो होंगे वो कितना एंगल कर रहे हैं, अल्फा। और जो फाइनल इमेज जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, बीटा। ओके, ए वाला अल्फा और ए वाला तुम्हारा, ए वाला अल्फा और ए वाला एंगल कितना है, दैट इज बीटा। उसके बाद एक एक करके इसके जो डेरिवेशंस की पार्ट में, पहले m इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा जो है टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा जो है तो h डैश अपॉन ue। यहाँ पे जो हम लोग को आता है, देखो m जो है बीटा अपॉन अल्फा, ये वाला बीटा है और ये वाला तुम्हारा अल्फा है। ओके, तो बीटा अपॉन अल्फा, तो जो हम लोग का डिस्टेंस होते हैं, ये वाला जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, ue। ओके, ये वाला डिस्टेंस ue यहां से यहां तक, और ये वाला कौन सा होता है, एज डैश। तो हम लोग लिख सकते हैं tan beta equals to h dash upon ue, और दूसरा tan alpha h upon d। तो हम लोग का ये चीज आ जाएंगे h dash upon h into d upon ue। h dash upon h, ये देखो एच डैश अपॉन एच, ये वाला मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव, और डी अपॉन यू जो है ये वाला, ये डी है और ये वाला कौन सा यू है, ये वाला यू दैट इज मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाय यू। ये जो है ये वाला तो वी है और ये वाला यू है, तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे, एम ई। तो एम इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई हो गया बेटा। इज इट क्लियर हो रहा है, इज इट क्लियर, यस और नो। देव, कृष्णा, अच्छा एमओ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, एमओ ऑब्जेक्टिव एच डैश अपॉन एच है,
इसको हम लोग लिख सकते बेटा एच डैश अपॉन एच जो है, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, वी ओ होता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, यू ओ होता है ऑब्जेक्टिव का। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी नॉट अपॉन यू नॉट, ठीक है। और हम लोग आईपीस का जानते बेटा, आईपीस में जो मैग्नीफाइंग पावर होते हैं, आईपीस का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो कितना होते हैं, पहले हम लोग प्रूव करा था 1+ d अपॉन एफ आईपीस का। ओके बेटा, आईपीस का क्या होता है, 1+ d अपॉन एफ। आईपीस के लिए जब मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में होते हैं 1+ d अपॉन एपी होती है। ओके, तो इस जगह पे हम लोग को मिल गया था मैग्नीफाइंग पावर एमओ इंटू एमई। एमओ हम लोग क्या लिख के रखा था, वी नॉट अपॉन यू नॉट 1+ d अपॉन एपी, ये वाला इसका मैग्नीफाइंग पावर हो गया। इज इट क्लियर, यस और नो? अच्छा, अभी और एक बात है, जो ये वाला है ना, ये जो मतलब इमेज, ये जो मतलब ये वाला इमेज बन रहा है, वेरी क्लोज टू द आईपीस होगी। तो देखो बेटा, ये जो ए डैश बी डैश है, वेरी क्लोज टू द आईपीस बनेंगे। तो यहाँ पे और एक कंडीशंस होते हैं, ए डैश बी डैश इज वेरी क्लोज टू आईपीस हुआ। इफ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज वेरी क्लोज टू द आईपीस हुआ, तो ये जो है ना आईपीस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, तो क्या होता है, उसको एल कहते हैं। तो हम लोग उस केस में वी नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज एल लिख दे पाएंगे। ओके, तो वी नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे। और दूसरा और एक बात होता है, तो इस जगह पे क्या होगा, एल अपॉन यू नॉट, तब जाके मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, एल अपॉन यू नॉट 1+ d अपॉन एफ, मतलब वेरी क्लोज हुआ। तो ये जब इसके वेरी क्लोज होगा, तो ये वाला क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। एल इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ, इसको क्या बोला जाता है, ट्यूब लेंथ बोला जाता है। जब ये वेरी क्लोज होगा तो वी नॉट आर आगे आएगा, तो वी नॉट किसके बराबर होगा, एल के बराबर होंगे। इज इट क्लियर? बेटा इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा और एक कंडीशंस होते हैं, और एक कंडीशन होता है फिफ्थ लास्ट स्टेप। बेटा एक तो इधर वाला कौन सा फिफ्थ लास्ट स्टेप है वाली दे, बे वाला ये वाला। हाँ, तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग यहाँ पे दिखाया, देखो बीटा अपॉन अल्फा, टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा है ना, टैन बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देखो इस जला इस वाले से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस किन सा होता है, यू ई, तो हमने बोला एच डैश अपॉन यू ई। और जो टैन अल्फा जो है, ये टैन अल्फा ये वाला एच अपॉन डी,
ओके एच अपॉन डी टेन अल्फा, तो एच डैश अपॉन एच डी अपॉन यू, ठीक है बेटा। एच डैश अपॉन एच ये कौन कर रहे हैं, ये वाला ये वाला, ये मैग्निफिकेशन किसका है, ऑब्जेक्टिव का, और डी अपॉन यू ये वाला तुम्हारा इमेज डिस्टेंस और ये वाला तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसका जो रेशियो है वो क्या होगा, मैग्निफाइंग मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आई पीस, तो इसको एम ई लिख दिया। तो पहले एम इक्वल टू एम ओ इनटू एम ई अप्रूव कर दिया, ठीक है बेटा। फिर एम ओ जो है वो एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच, तो सिमिलर ट्रायंगल में वी नॉट अपॉन यू नॉट, तो वी नॉट अपॉन यू नॉट हुआ। अभी जो एम ई जब होते हैं, जब मतलब कि इमेज फॉर्म डेट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, तब आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर कितना होते हैं, वन प्लस डी अपॉन एफ ई होती है। कल प्रूफ कराया था, कल प्रूफ कराया था ना इसका, कल इसका प्रूफ कराया था, जिसका वीडियो भी सेंड कर दिया। ये वाला होगा एमओ और एमई, इतना वैल्यूज होगी। अभी स्पेशल कंडीशंस क्या क्या होता है देखो, स्पेशल केसेस, कंडीशन नहीं केसेस, जब ए डैश बी डैश वेरी क्लोज टू द आईपीस, तो वी नॉट किसके बराबर होगा, एल के बराबर हो जाएगा, ओके। और एक कंडीशंस होते हैं, कंडीशंस टू, व्हेन ए बी, ए बी मतलब ऑब्जेक्ट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू एफ नॉट, इसके फोकस के नजदीक होगी, जब ये इसका वेरी क्लोज एफ नॉट के बराबर होगा, वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट के फोकस के नजदीक होंगे, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं एम इक्वल्स टू एल अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ। बात क्लियर? मतलब ये वाला इसका नजदीक होगी और ये वाला इसका नजदीक हो जाएगा, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल्स टू एल अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी अपॉन एफ। बेटा हमारा बुक में ठीक से छापा नहीं, हमारा बुक में ठीक से छापा नहीं, ये देखो एमओ एमई एल अपॉन एफ नॉट बोलते वन प्लस डी अपॉन एफ होती है, ठीक है बेटा। ये जो इस जगह पे लिखा है, तुम्हारा बुक में क्या लिखा है बेटा, बेटा तुम्हारा बुक में यहाँ पे क्या लिखा है एक बार बताओ, चेक किया बेटा, एल अपॉन एफ नॉट लिखा है, हाँ दोनों में ब्रैकेट है, यहां से जो नहीं है, बिकॉज यहां तक का रिजल्ट उसने फाइंड कर देते हैं, यहां तक का रिजल्ट बोल देते हैं ना बेटा, इसलिए यहां तक का रिजल्ट हमने बता दिया, एक कब आता है, एक कब आता है, एक कब आता है, ठीक है बेटा, तीनों चीज ही तुम लोग को पता चल गया। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर नाउ, ओके। तो इसका एक शॉर्ट न्यूमेरिकल देता हूं तो और क्लियर हो जाएगी।